इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की बात करना बाबा साहेब का अपमान है। साथ ही कहा है कि हिंदू राष्ट्र जैसी बातें कैसे कर रहे हैं, कैसे इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। एक बार आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनाते हैं क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। भारत की आज़ादी में जिन बुजुर्गों ने अपना खून पसीना सब कुछ लुटाया, उनकी कुर्बानियों को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके। आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है। एक ही बात कहेंगे, अगर हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। क्या बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं? क्या बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का घोषणा पत्र तैयार कर लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प लिए हैं। मांग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की उठी है। ऐसे में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भला चुप कैसे रह सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर तीखा हमला बोला है। जो लोग भारत की आज़ादी में जिन बुजुर्गों ने अपना खून पसीना सब कुछ लुटाया और इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद किया, वो उनकी कुर्बानियों को रायगा कर दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते फाउंडिंग फादर्स ने, इसको इस देश का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में, बताइए आप कैसे खामोश बैठे? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है। कोई, मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या? क्या आप गांधी की, सरदार पटेल की, नेहरू की, मौलाना आजाद की, जौहर बदरान की और 1957 की जंग आज़ादी में जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनको सबको मिटा देंगे क्या? ये तो इनको सोचना पड़ेगा जो आज सत्ता में है, इनको बताना पड़ेगा। फिर आज़ादी का अमृत सब मना रहे हैं आप और आप ही के चाहने वाले इस तरह की बकवास कर रहे हैं। सर,